ब्रिटिश के जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेक इंडिया नज़र आते हैं, ऋषि सुनक। अगर अमेरिका की बात करें तो उनकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं कमाला हारिस, वो भी एक इंडियन है। ये दोनों लड़के कह रहे हैं कि हर एक फील्ड के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर इंडिया हमसे ज़्यादा मजबूत है। क्या इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गया? नहीं नहीं, हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है वो। अच्छा, हम किस चीज़ में ज़्यादा ताकतवर हैं वो इस बच्चे को आपने बता के इसको समझाना। ये आज का तालीमी याफ्ता बच्चा, इसको आपने बताना कि भाई हम इस चीज़ में आगे ताकतवर हैं। उम्मत मुस्लिम है यार हमसे बड़ी। हम तो उम्मत मुस्लिम है यार, हमें तो अल्लाह ताला ने आप सरकार के सदके सारा कुछ दिया है। कौन सी फील्ड है जिसमें वो हमसे आगे नहीं है? मेड इन पाकिस्तान कभी यूज किया कुछ ही वक्तों में? मुझे ये लग रहा है 2025 तक उसने इंडिया ने बीट कर जाना है। हम लोग बात करें बीबीसी की ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन की, तो वहाँ पर भी एक इंडियन ही अपने कदम जमा चुके हैं। जी हाँ, हम समीर शाह की बात कर रहे हैं कि वो अब फाइनली बीबीसी की हमें हेड नजर आएंगे। बीबीसी का जो चेयरमैन है वो इंडियन ओरिजिन से बन गया। दुख यहाँ पर मेरा ये है कि हमारे जो बड़े, हम जहाँ से पढ़ के जा रहे हैं 1100 नंबर ले रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, लेकिन हमारा नंबर ये जा कर रहे हैं। वही तो मेरा सवाल तो वही है ना, इतना टैलेंटेड बच्चा जो इतने नंबर ले रहा है, इतना यानी कि आप तो क्राइटेरिया देखे 100% हो गया हमारा, तो वो किधर जा रहा है, मेरा तो ये सवाल है ना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम एक बार फिर से देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में और उनकी जो पब्लिक है वहाँ पर चर्चा की जा रही है भारत की बढ़ती ताकत को लेकर, और दूसरा जो है ना दुनिया भर में जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो बिज़नेस ऑफिस है, वहाँ पर भारतीयों ने जिस प्रकार से अपने मेहनत के दम पर, अपनी एजुकेशन के दम पर जिस प्रकार से कब्जा किया ना, ये देखकर पाकिस्तानियों के जो है ना यहाँ पर होश उड़े हुए हैं। उनका कहना है कि भैया पाकिस्तानी तो किसी गेयर में ही फिट नहीं होते हैं भारतीयों के। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाले हैं, आप सभी से निवेदन करूँगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, चेकआउट करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एक फील्ड के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर इंडिया हमसे ज्यादा मजबूत है। क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया? नहीं नहीं, हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है वो। अच्छा, हम किस चीज में ज्यादा ताकतवर हैं वो इस बच्चे को आपने बता के इसको समझाना। ये आज का तालीमी याफ्ता बच्चा, इसको आपने बताना कि भाई हम इस चीज में आगे ताकतवर हैं। उम्मत मुस्लिम है यार हमसे बड़ी। हम तो उम्मत मुस्लिम है यार, हमें तो अल्लाह ताला ने आप सरकार के सदके सारा कुछ दिया है, तो हम तो कमजोर हो ही नहीं सकते। मुसलमान तो हम है, क्या मोमिन है? मोमिन नहीं। आप एक मुस्लिम कंट्री में मेट्रो पे क्या सुन रहे हैं कि मुसलमान, ये मुसलमान का मुल्क है? वो कह रहे हैं यार जेब कतरों से महफूज रहो। कौन सी कंट्री में हूँ मैं इस टाइम? नहीं नहीं, वो तो कौन सी कंट्री में हूँ? हम तो जेब कतरों से महफूज ही रहना आप लोगों ने यार। नहीं नहीं, चोरी नहीं नहीं, चोरी हाथ काट देने चाहिए, वो आम रोक रहे हैं। जी एक मिनट, इनसे बात हो रही है अभी हमारी। तो कैसे देखते हैं आप कि हर एक चीज़ के अंदर वो हमसे ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हर एक फील्ड के अंदर दुनिया की मईशत भी इंडिया के ज़्यादा मजबूत होगी, ये कह रहे हैं हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, तो क्या वो सिर्फ वो देखने की हद तक है बस सब कुछ? अच्छा, आप नहीं मानते? देखने की हद तक सब कुछ जो है ना वो हाई फिनिश चला गया है, मल्टीनेशनल टाइम आ गया है, हर चीज़ डिजिटल हो गई है, मगर अंदर देखने के लिए जी अंदर से कमज़ोर है वो चीज़। अच्छा, इंडिया अंदर से कमजोर है, सारा कुछ कमजोर है, उम्मत मुस्लिम मजबूत है ना, हमारा अंदर से अकीदा है। अच्छा, मैं अगर एक सवाल करूं वैसे तो इस टाइम जैसे मुसलमान में दुनिया में जैसे मिसाल के तौर पे लोगों पे जुल्म हो रहे हैं मुसलमान में, मैं कंट्री का नाम नहीं लेता, ठीक है आपको पता है सारे हमने, ठीक हो गया, सही है, इसमें आपका क्या किरदार है? आप मुसलमान हो, आप पे जिहाद फर्ज है, आपका क्या किरदार है? आप बड़े हैं मेरे से, मैं आपसे पूछता हूँ, वो तो मैं तालिब इल्म हूं, मैं दिल में बुरा जानता हूँ, मेरे पास इतना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं जाके लड़ूँ, मैं उनसे जाके मैं मिसाल के इन्वेस्ट करूँ। आप बड़े हैं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ आपका क्या किरदार है? मैं भी ये इस चीज़ में कहूँगा कि इस चीज़ में हम कमज़ोर हैं यार, मैं यही बात कर रहा हूँ। कमज़ोरी किस वजह से है? कमज़ोरी ये है कि हम दुनिया के कामों में लग गए। आप किसी से पूछें आजकल तो आईटी की तरफ आते हैं, आईटी का पता नहीं, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको, मईशत का पता, इकोनॉमी का पता? वो पता तो नहीं है, मगर ये है आपको इकोनॉमी का पता है? इस टाइम हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं? एक मिसाल के तौर पे आपने 10 रुपए लगाए हैं, आपको 10 रुपए वापस मिल रहे हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा मुनाफा कमा रहे हो 3-4 रुपए, आप 12 रुपए कमा रहे हो। इस टाइम हम 10 लगा के 4 रुपए कमा रहे हैं, हम इकोनॉमी में यहाँ पे लाए कर रहे हैं, तो 4 की वजह से भी कम कमा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वही बता हम ना। तो भाई बात सारी वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं, ये जो कह रहे थे भाई कि इंडिया हमसे ज्यादा मजबूत है, क्या आप मान गए कि इंडिया हमसे ज्यादा मजबूत हो गया, कि हमें भी ट्राई करना मजबूती के लिए? मसला ये नहीं, वो जो सारी वजह आज यही है जो वो बता रहे हैं कि हम जो 4 पे 10 रुपए जो लगा रहे हैं तो हमें
इन्फ्लुएंशन रेट की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंशन रेट 40% अगर तजावुज कर चुका, 40% अगर चला गया, तो ये बात वही कर रहे हैं कि भाई जी इन्फ्लेशन रेट 40% है ना, तो इन्फ्लेशन होता है मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं ना महंगाई के सेंस पे, तो किस लिए बढ़ रही है? हमारी जो तबका है ना जो गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहा है उनकी इंक्रीज़ कितनी हो रही है? सिर्फ 20%, इन्फ्लेशन रेट 40%, तो महंगाई तो बढ़नी मेरी जान बढ़नी है, ये तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि वो बढ़ गया वो बढ़ गया वो बढ़ गया, मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा अंकल जी से ये सवाल है कि ठीक है मैं उसकी तरक्की देखूँ, मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए, मैं जेलिस नहीं होना चाहता, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है? हम सिर्फ जेलिस हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, चार गालियां निकाल देंगे, वो लोग खुश, चार गालियां आ गई, यार आपने तो बड़ा लेवल कर दिया, काम क्या किया आपने? मेन तो ये है, मेरा क्या रोल है इकोनॉमी में, मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या कर रहा हूँ? हमारा सवाल आज का ये कि आपने देखा होगा कि जैसे ब्रिटिश के जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमें कि इंडिया नज़र आते हैं, ऋषि सुनक। अगर अमेरिका की बात करें तो उनकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं कमाला हारिस, वो भी एक इंडियन है। ऐसा क्यों है कि इंडियंस हमें एज अ प्रेजिडेंट्स एज अ प्राइम मिनिस्टर्स नज़र आना शुरू हो गए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? रिसेंटली आपने BBC देखा होगा, वहाँ पर भी एक इंडियन को रख दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन की एजुकेशन क्वालिटी की इतनी बेटर है कि वहाँ के लोग उनको प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट हो गए हैं? बेसिकली देखें ना, सबसे पहले इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो इस टाइम फुल स्ट्रॉन्ग है हमारी निस्बत, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखे जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ना कोई बेटर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, ना कोई बेटर एजुकेशन सिस्टम्स हैं, और सबसे पहली चीज़ देखा जाए ना तो यहाँ पे एक शौरी नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि हमने करना क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनकी ये है कि उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, फिर ये है कि दूसरी एक टर्म है कि उनको पता होना चाहिए कि यार उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। तो सबसे पहले वो अपने इंटरेस्ट देखें, उसके बाद वो अपनी उस रिलेटेड फील्ड्स ज्वाइन करें, और उसके बाद फिर ये है कि जब वो अपनी रिलेटेड फील्ड्स में फर्दर स्टडी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह माइट बी पॉसिबल कि वो हमारे मुल्क के लिए यहाँ इंटरेस्टेड फील्ड्स। तो आजकल सिर्फ पाकिस्तान में डॉक्टर या इंजीनियर, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ओहो आप आर्ट्स करें तो बड़े बाएं हाथ का काम है, आपको कर लेनी चाहिए। आपने देखा होगा हमारे स्पेस साइंसेज में भी कुछ खासा इंटरेस्ट नज़र नहीं आता, हर कोई कहते हैं कि अच्छा बेटर फ्यूचर के लिए डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, इसके अलावा कोई फील्ड ही मर गई है दुनिया में सारी फील्ड्स। देखिए अगर पाकिस्तान में अगर आप देखें ना तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंजीनियर भी हैं डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन दे ऑल्सो आर नॉट हैप्पी विद देयर फील्ड्स, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में कोई स्कोप ही नहीं है, लाइक आप जो भी कर लो ना यहाँ पे आपको पता है या सिफारिश से आपको नौकरी मिलेगी या आपको क्या नाम है ना पैसे देकर नौकरी मिलेगी, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन और पाकिस्तान का मीडिया का जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से निकल कर आ रहा है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी अपने हिसाब से कहते हैं ना, वो कहते हैं कि बेसिक जो फ़र्क है वो एजुकेशन का है, और बात भी सही है, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का लेवल क्या है वो हम सबको ही पता है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं कॉलेज है वहाँ तक इन लोगों को जो है ना ये जो जिहाद वाली जो बातें हैं वो सिखाई जाती हैं इनको, तो फिर दुनिया भर में कॉम्पीट कैसे करेंगे दूसरे देशों के लोगों से? जहाँ पर एक तरफ एजुकेशन में कॉम्पिटिशन होता है वहीं पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। जो एजुकेशन सिस्टम शुरुआत से पाकिस्तान के अंदर बनाया गया था वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इनके नेताओं को इनकी आर्मी को पता भी है कि इनको ज़्यादा एजुकेटेड करना भी नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो फिर हमसे ही सवाल करेंगे कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी किस प्रकार से हुई है, तो फिर वो जवाब क्या देंगे? तो उनका भी यही सीधा सा है कि इनको अनएजुकेटेड रखो, इनको जो है ना ऐसे जाहिलपन में उलझा के रखो ताकि ये कोई सवाल जवाब भी नहीं करेंगे। और एक हवा बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान तो दुनिया में नंबर वन है, पाकिस्तान के ISI नंबर वन है, आर्मी नंबर वन है, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, आइटम बम है पाकिस्तान के पास। तो इसी के पीछे जो है ना इनके जो नेता हैं इनकी जो आर्मी है वो इनको लूटते हैं, इनको पता भी नहीं चलता है, और इसी प्रकार के ख्यालों में खोए रहते हैं। बाकी आपने ये वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।